السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد 1977 या 1978 का किस्सा है। जुमा की नमाज के बाद हरम शरीफ में हतीम के सामने में बैठा हुआ था और एक बड़े मियाँ बहुत खूबसूरत हसीन जमील वो आए। उन्होंने आकर कहा, बेटा आपको एक हदिया देता हूँ। मैंने कहा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हर जुमा की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया कर बेटा, और 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ लिया कर, और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ लिया कर, तो अगली जुमा तक अल्लाह ताला हर बुराई से, हर बुरी खबर से, एक्सीडेंट से, मकरूह से, बुरी बीमारियों से अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। वो बड़े भी एक कहकर चले गए। मैंने अपना अमल भी शुरू किया, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था क्योंकि मेरे सामने हदीस नहीं थी। उन्होंने एक बात बताई, उसी वक्त हमारा सफर हुआ था, डेढ़ साल का पूरे सफर में पढ़ते रहे। लेकिन जब किताबें देखना शुरू की, किताबें लिखना शुरू की, तर्जुमे करने शुरू किए, किताबें देखने का मौका मिला, तो ये हदीस मिली। इसलिए आप सब हजरात को ये मैं भी बता रहा हूँ कि हर जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद, ख्वातीन जोहर की नमाज पढ़ती हैं हमारे यहाँ, फौरन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जुमा की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ ली, तस्वीरें पढ़ ली, इत्मीनान से फारिग हो गए। आजकल चूंकि ये हालात की वजह से कई जगहों पर जुमा हो भी नहीं रहे हैं, जोहर पढ़ रहे हैं। शर्त है इसमें, जुमा का होना शर्त है। 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया की पढ़ने की आदत डालिए, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ने की आदत डालिए, और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ने की आदत डालिए। इसका वक्त बेहतरीन वक्त तो ये है कि भी सुन्नतों के बाद, नफलों के बाद पढ़ लें, लेकिन बाद मरतबा भूल जाते हैं तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। चलो असर तक पूरा कर लो जुमा के दिन, फिर भी भूल गए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। चलो जुमा के दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले पढ़ लो, तो इसकी आदत डाल दीजिए। तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले जुमे तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। ये हदीस इब्न सुन्नी में है और मेरी किताबों में उसके और हवाले भी मैंने लिख दिए हैं। दूसरी बात, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कीजिए, तो 24 घंटा हम इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। तीसरी बात, रोजाना कम से कम 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है उसके बाद जो दुआएं मांगी जाएगी अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। और फायदा ही फायदा है सूरह इखलास पढ़ने का, तो फायदा ही फायदा है। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो, हदीस शरीफ में आता है कि एक महल जन्नत में तैयार हो जाता है। 100 मरतबा रोजाना हम पढ़ेंगे 24 घंटे में इंशाअल्लाह, तो तकरीबन जो है 10 महल तैयार हो गए। और अल्लाह कादिर है, जो अल्लाह जन्नत में महल देने के लिए कादिर है, वो अल्लाह इंशाअल्लाह बम्बई में भी आपके हमारे लिए उतार देगा, वो भी कादिर है। ये मैं मजाक ना हमारे साथियों को कहता हूँ, अल्लाह लॉस एंजलिस में भी उतार देगा, मक्का मदीना में उतार देगा, वो तो कादिर मुतलक है। हदीस में तो आता है जन्नत में मिलेंगे। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी ऐसा मजाकन कहते थे, अरे बेटा पढ़ा कर कभी ना कभी अल्लाह ताला यह भी दे देगा, अल्लाह ताला कादिर है। इसलिए ये 3 बातें मुझे मुख्तसर अर्ज करनी थी, इसका अहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आजकल जो नामुनासिब हालात चल रहे हैं, घरों में रहिए, घरों में रहकर अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह ताला मस्जिद में भी है और अल्लाह घर में भी है। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अल्लाह ताला कादिर है, थोड़ा काम करो नतीजा अल्लाह ज्यादा निकाले, बहुत ज्यादा काम करो नतीजा ना निकाले। इसलिए जो भी कानून हुकूमत का है उसका भी हमें जो है एहतमाम करना है। उलमा जो बात कह रहे हैं उनके बातों पर भी चलना है। अब मेरे साथ पढ़ लीजिए ताकि हमारा कैश बिजनेस तो हो जाए। पढ़ो मेरे साथ,
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। हर नबी की जुबान से जुमला निकला है, हर नबी का नूर इसमें है। और हदीस शरीफ में आता है, तबरानी की हदीस है और नसाई की हदीस है कि जो कलमा एक मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके छोटे सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। मेरे छोटे गुनाह अल्हम्दुलिल्लाह माफ हो गए, आप भी पढ़ लीजिए, आपके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसा काम करने की हमें तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और जो काम करने से अल्लाह नाराज होता हो उससे हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।